आतंकियों के टारगेट बने संजय के गांव में पसरा मातम, लोगों में इस हमले को लेकर गम और गुस्से की लहर। प्रदेश भाजपा ने आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में की निंदा। कल से जम्मू में शुरू हो रही 8वीं की परीक्षा, जम्मू जिले के 17,752 छात्र छात्राएं देंगे इस बार परीक्षा। परीक्षाओं की निगरानी के लिए डाइट ने गठित की टीमें। नशे का अड्डा बनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की इमारत, इंस्टीट्यूट ने खुलने से इमारत का हो रहा दुरुपयोग, लोगों ने की सरकार से इमारत का प्रयोग करने की मांग। वही शोपिया बन रहा है विजयपुर में सीसीटीवी कैमरे, दो वर्षों से बंद पड़े हुए हैं कस्बे में लगे कैमरे, तीसरी आंख के बंद होने से लोगों में नाराजगी। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों के साथ। कश्मीर घाटी के पुलवामा में आतंकियों ने एक बार फिर से टारगेट किलिंग को अंजाम देते हुए एक कश्मीरी पंडित को मौत के घाट उतार दिया है। वहीं मृतक की पहचान 40 वर्षीय संजय शर्मा पुत्र काशीनाथ निवासी अचन के रूप में की गई है। वही मृतक बैंक में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था और इस घटना के बाद अचन में शोक की लहर है। वहीं प्रदेश भाजपा ने इस हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने इस हमले पर शोक जताते हुए कहा कि घाटी में आतंकवाद की कमर टूट चुकी है, जिससे कि बौखलाकर आतंकी टारगेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने संजय शर्मा की मौत पर दुख जताते हुए पीड़ित परिजनों से शोक संवेदना जताई है। पता है कि यह गर इन दोन यह क्या वन यन पे गारत पे दुक बिचार नबर नी कम सोन गर अपर अपर पकान टकन इन चतजह वर्यन मन गो ना पृछ तो तुम तुम मा गो पीस पेट इन आमुत दमकनी या कह कत कड़नी तो यह क्या वन खुदा नी जवाब दु अलबत् आज चन पता यह गारत ये गो जो यह क्या जात फुट दूर गो यह क्या फायर अस क्या पता गो अत मुतलिक वन। देखिए, आपको पता है कि अब जो कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है और मिलिटेंटों का सफाया हो चुका और दहशतगर्दी का लगभग खात्मा हो चुका है, और जिसके तहत गवर्नमेंट ने एक बार ये फैसला ले लिया है कि अब जो फौजें हैं फौजों को वापस बारकस में और बॉर्डर की तरफ भेजा जाएगा, और जो अंदरूनी सलामती की जिम्मेदारी है वो यहाँ की सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर को पुलिस। मुझे लगता है इसी फ्रस्ट्रेशन में मिलिट दहशतगर्द कहीं ना कहीं इस बात को दिखाना चाहते हैं कि हम अभी जिंदा है, लेकिन ये अलग बात है कि दहशत का खात्मा बहुत पहले हो चुका और कश्मीर का लोग अब जो लोग हैं वो अब दहशतगर्दी नहीं चाहते। इस वजह से अपनी प्रसन्नता कहीं कहीं दिखाने के लिए आज एक बेकसूर कश्मीरी पंडित को आज फिर मार ला। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़े रब में मजबत करती है, लेकिन एक वादा भी करती है जिस तरह से आज तक हमने मिलिटेंसी का खात्मा कर दिया और आज भी जिन लोगों ने ये हरकत की है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको भी जहन्नम तक पहुंचाया जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी का वादा। और किलिंग और मिलिटेंसी उस पर जो हमारी हमेशा पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की रही उसको बरकरार रख के जिन्होंने आज ये वाकई किया है उनको सख्ती के साथ उनके साथ निपटा जाएगा, और दहशत का खात्मा और दहशतगर्दों का खात्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी है, हम उस पर ही कार्रवाई। फिर से एक टारगेट किलिंग और संजय पंडिता का बलिदान हुआ। लगातार जो टारगेट किलिंग चल रही थी उस पर रोक लगाई गई थी और सुरक्षा वालों ने काफ़ी, लेकिन फिर से इस प्रकार की घटना होना चिंताजनक है। स्वाभाविक है कि हम जो एक नॉर्मलसी की ओर हम बढ़ रहे थे उसमें कहीं ना कहीं आड़ आती है, तो उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन लगातार सतर्क रहती है, और जो 40 साल से व्यक्ति वहाँ पर रह रहा था उसको निशाना बनाया जाना दुखद है। जल्द ही इन लोगों को ढूंढ लिया जाएगा, प्रशासन और सुरक्षा बल अपना काम करते ही हैं। तभी पहले से जो लगातार पत्थरबाजी यहाँ पर जो कैलेंडर जारी होते हैं उन पर रोक तो लगी है, तो
तो मुझे लगता है कि प्रशासन फिर से एक नीति चेंज करके इन पर अपना 27 फरवरी से जम्मू जिले में 8वीं की परीक्षाओं का शुभारंभ हो रहा है और जम्मू जिले में भी इस बार 17,752 छात्र 8वीं की परीक्षा देंगे। इनमें सरकारी और निजी स्कूल के छात्र भी शामिल हैं और इन छात्रों की परीक्षा के लिए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जम्मू द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 228 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इसकी जानकारी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जम्मू के प्रिंसिपल रोशन लाल ने दी है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग छात्रों की परीक्षा के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही परीक्षा पर निगरानी रखने के लिए जहां डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग द्वारा टीमों का गठन किया गया है, वहीं SEIRT द्वारा भी इन परीक्षाओं पर नजर रखने के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं और इसके अलावा इन परीक्षाओं की तैयारी को लेकर डाइट के प्रिंसिपल का क्या कहना था, आइए देखते हैं। यहां जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल 17,752 स्टूडेंट्स हैं जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल दोनों के बच्चे हैं। और जहां तक प्राइवेट स्कूलों का तलक है, प्राइवेट स्कूल्स में जो बॉयज़ हैं 5,712 और गर्ल्स स्टूडेंट जो हैं 5,676, टोटल जो हैं 11,388। इसी तरीके से गवर्नमेंट स्कूल्स की जो रोल है बॉयज़ की 3,010 और गर्ल्स की 3,054 और टोटल जो है 6,064। तो इस तरीके से हमने 228 सेंटर बना के रखे हैं जो कि डिफरेंट एरिया में बच्चों की सुविधा के हिसाब से हमने सेंटर बनाए हैं ताकि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ साथ कुछ बच्चे हमारे पास हैंडीकैप भी हैं तो उनके लिए भी स्पेशल प्रावधान है ताकि बच्चों को कोई असुविधा ना हो। और इसके अलावा हमने हर जो है सेंटर के लिए नहीं, कम्प्लेक्स के तौर पर कम्प्लेक्स वाले भी इंस्पेक्शन करेंगे। हमने स्पेशल टीमें बना के रखी हैं जैसा कि हायर अथॉरिटी से इंस्पेक्शन के लिए कहा गया है, तो हमने इंस्पेक्शन के लिए टीमें बना के रखी हैं। और इसके अलावा SCRT जो है वो भी, उन्होंने भी अपनी टीमें गठित करी हैं जिस तरीके से हमें हायर अथॉरिटी जो है SCRT के डायरेक्टर और वाबाल जो है हमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ओर से है कि किसी भी किस्म का लैप्स नहीं रहना चाहिए। तो 22 तारीख से जो है हमारे जहां जो है एग्जामिनेशन 8th क्लास का जिस तरीके से बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से जैसे कि 10th 11th 12th का है उसी पैटर्न पर हमने रखा है। और इसके अलावा हर एक कम्प्लेक्स को, हर एक स्टूडेंट को हमने खास इंस्ट्रक्शन दी है कि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर ना ही कोई टीचिंग स्टाफ और ना ही बच्चे किसी के पास मोबाइल होगा। इसके अलावा सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त हमने करके रखा है। हमने सिक्योरिटी के लिए भी जो है लेटर लिख दी है कि हर एक सेंटर में जो है सिक्योरिटी की जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां जो है बंदे भी तैनात होंगे ताकि किसी किस्म का कोई भी लैप्स ना रहे। इस वक्त जो है JKUT बनने के बाद इस बार जो है पूरे जम्मू कश्मीर में एक ही बार इकट्ठे सबके पेपर हो रहे हैं। तो जहां दो जोन में बांट दिया गया है, हार्ड जोन और सॉफ्ट जोन है, जहां पर बर्फबारी है जहां मुश्किल है उसके लिए थोड़ी सी डेट शीट जो है 10 दिन के बाद पेपर होंगे उसके लिए डेट शीट अलग है। तो जहां सॉफ्ट जोन का तलक है ये जम्मू और सांबा को छोड़कर बाकी जो है मिक्स हैं, सॉफ्ट जोन भी है कुछ डिस्ट्रिक्ट का एरिया तो कुछ का वो जो है हार्ड है। जिला सांबा के बीरपुर में पशुपालन विभाग की स्टॉक असिस्टेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की इमारत नशाखोरों का अड्डा बन चुकी है जिससे कि स्थानीय लोगों में भारी रोष है। वहीं स्थानीय लोगों के इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की इमारत का निर्माण स्टॉक असिस्टेंटों की ट्रेनिंग के लिए किया गया था लेकिन इमारत का कार्य पूरा होने के बावजूद भी अभी तक विभाग ने इसका प्रयोग नहीं किया है जिसके कारण ये इमारत अब नशाखोरों का अड्डा बन चुकी है। और यही नहीं, लोगों का यह भी कहना है कि सही देखरेख न होने के कारण शरारती तत्व लगातार इस इमारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोगों के मुताबिक अगर पशुपालन विभाग को इस इमारत की जरूरत नहीं है तो इसको हायर सेकेंडरी स्कूल खोला जाए।
सर बात ऐसे है कि ये सरकार ने करोड़ों रुपए फूके हैं इस जगह पे और इतनी सुंदर जगह ये बनी है, लिहाजा इस वक्त तो वो सिर्फ शराबियों और नशेड़ियों और चिट्टों वालों का अड्डा बन गया है। अदरवाइज इनको एनिमल हॉस्बेंड्री वालों को इसकी इस जगह की जरूरत नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा कि बड़ी ब्राह्मणा में हाई सेकेंडरी स्कूल कोई नहीं है, बच्चे दूर दूर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो लिहाजा सरकार ये करे कि वहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल बना दे ताकि बच्चे कम से कम नज़दीक पढ़ें, मेरा तो यही कहना है। कितने सालों से ये बना चुका है? ये मेरे ख्याल 10 साल से बना पड़ा है, शीशे टूटे हैं, अंदर कुत्ते घूम रहे हैं, बुरी हालत है, देखा नहीं जाता है वहाँ कितनी हालत खराब है। चौकीदार वगैरह भी नहीं रखा गया? हाँ, मैं तो ये भी कहूंगा कि अदरवाइज कुछ नहीं करना, कम से कम कोई चौकीदार रखो, उसकी साफ सफाई करो, करोड़ों रुपए खर्चे हैं और ऐसे की ऐसे बिल्डिंग जो खराब हो जा रही है, नहीं बनी हुई बिल्डिंग जो खराब हो जा रही है। मैं आज आपके सामने ये एक तथ्य लाना चाहता हूँ कि जैसे कि ये एनिमल हॉस्पेंड्री ने जो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया बड़ी बनाने में, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके इसको बनाया गया है, जबकि ये आजकल जो नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है और गवर्नमेंट संपत्ति को नुकसान हो रहा है, सभी शीशे तोड़ देते हैं, नशेड़ी आते हैं यहाँ बैठते हैं। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि किसी उपयोग में लाया जा सके, तो जिससे गवर्नमेंट को नुकसान ना हो और लोगों को भी फायदा मिले। बस इसी उम्मीद के साथ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। सर यहाँ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, बहुत मिसयूज किया जाता है इसका, कोई नशा करने के लिए यूज करता है, कोई किसी और चीज के लिए यूज कर रहा है, शीशे तोड़े हुए हैं और भी बहुत सारा किया हुआ है, बच्चों पे रॉन्ग इंटेंशन पड़ती है, शाम को खेलने आते हैं, तो इसको गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो इसका कोई सिक्योरिटी का कुछ होना चाहिए ताकि इसका अच्छा से यूज किया जाए। सो यही अपील है गवर्नमेंट से। इसमें कहना चाहते हैं कि ये शीशे तो दिन दिहाड़े तोड़े जा रहे हैं, यहाँ तो नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है, इधर रात को देखो कि आपने खुद देखा होगा कितने शीशे तोड़े हैं और दरवाजे तोड़ के ले गए हैं, यहाँ नशे किए जाते हैं, नशेड़ी यहाँ पे नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। हम गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं कि इसकी देख, ये आपने इतने बड़े फ्लैट बनाए हैं एनिमल डिस्पेंसरी, इसका यूज़ करें अच्छी तरह। पुलिस वालों को भी कहना चाहते हैं आप थोड़ा यहाँ चक्कर लगाएं राउंड। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन JKUT की ओर से जम्मू के गांधीनगर में स्थित टीचर भवन में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कि पुरानी पेंशन सहित अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की गई और क्या कुछ कहा गया सम्मेलन में, आइए देखते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, सबने मिलकर के 21 जनवरी को दिल्ली में फैसला किया कि हम एक संयुक्त मंच बना रहे हैं ज्वाइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, और उस मंच के तहत सारे जगह पर हम लोग जो है वो अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, अपने तमाम कर्मचारियों को अवेयर कर रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अब इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। अभी हम 1 करोड़ से ज़्यादा सिग्नेचर्स जो है माननीय राष्ट्रपति जी को ऑनलाइन पिटीशन के जरिए भेज चुके हैं, अगले महीने मार्च के महीने में हम जो है वो ब्लॉक पर प्रदर्शन करने वाले हैं, हर देश के हर ब्लॉक पर प्रदर्शन होगा, इसके बाद देश के हर जिले पर जो है वो हमारे 21 अप्रैल को प्रदर्शन होगा, 21 मई को सारे देश में मशाल जुलूस होने वाला है, 21 जून को सारे राज्यों में राजधानियों पर प्रदर्शन होने वाले हैं, 21 जुलाई को मानसून सत्र के चलते हम संसद घेरने वाले हैं, सरकार मानेगी तो ठीक है और नहीं तो आने वाले सितंबर में हम देश में जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल करने वाले हैं सारे लोग मिलकर के, और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल तब तक रहेगी जब तक कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी। अपराधियों पर नजर रखने के लिए जिला सांबा के ब्लॉक विजयपुर में वर्ष 2018 में स्थानीय पुलिस और विजयपुर व्यापार मंडल द्वारा मिलकर विजयपुर के रामगढ़ रोड और मिनी बस स्टैंड, विजयपुर मेन चौक और वहीं सनेरा कॉलोनी में CCTV कैमरे लगाए गए थे, लेकिन सही देख रेख न होने के कारण ये कैमरे मात्र 2 साल ही चल पाए और इन कैमरों के बंद होने से व्यापार मंडल के साथ साथ स्थानीय लोगों में भी भारी रोष है। दुकानदारों का आरोप है कि स्थानीय दुकानदारों ने पैसे इकट्ठा करके कैमरे लगाकर प्रशासन को सौंपे थे, लेकिन प्रशासन की लापरवाही से आज ही कैमरे बंद पड़े हुए हैं और इन लोगों के मुताबिक आए दिन क्षेत्र में चोरी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। दुकानदारों ने प्रशासन से इन कैमरों को ठीक करवाने की मांग की है। देखिए, ये जो हमने पैसे व्यापार मंडल ने पैसे खड़े पैसे इकट्ठे करके हमने ये मेन चौक में कैमरे लगवाए थे
और पुलिस उसकी पूरी मॉनिटरिंग करती थी, लेकिन पिछले मैं समझता हूँ एक साल से वो कैमरे शैमरे सब बंद पड़े हैं, कोई उसमें कोई नई डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो हम ये कहना चाहते हैं, सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हम खुद व्यापार मंडल के लोग पैसे खर्च करके जैसे सीसीटीवी की टीवी कैमरे हैं वो लगा सकते हैं, लेकिन उसमें हम कहते हैं कि उसका पूरा प्रॉपर जो है उसका उसकी होना चाहिए, देखभाल होनी चाहिए। और ये सीसीटीवी कैमरे ही ऐसे जाएगा, अगर कोई एक्सीडेंट भी होता है उसका भी पता चल जाता है कि कौन एक्सीडेंट करके गया। अगर जैसे हमारे और भी कई काम हो रहे हैं जैसे चर्च चिट्टा छुट्टा जो भी है वो भी अब गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, उसकी भी हमें इस सीसीटीवी कैमरे से जानकारी मिल सकती है। और भी कई ऐसे जो काम हैं जो सीसीटीवी कैमरे करती है, जैसे कोई अगर हमारी कोई माता बहन से साथ कोई छेड़छाड़ भी करता है तो वो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है, उससे हमें फ़ायदा होता है, लोगों को पब्लिक को फ़ायदा होता है। देखिए सीसीटीवी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी गतिविधि होती है चाहे वो चोरी हो चाहे वो कोई एक्सीडेंट हो तो सीसीटीवी में फर्स्ट साफ दिखता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से हमने कई बार मीटिंग की है, जब भी कोई नए SHO आते हैं नए SSP आते हैं तो उनसे भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो व्यापार मंडल की तरफ से 2.5-3 लाख खर्च करके CCTV लगाए गए थे उसको पूरा कवर किया गया था, चाहे हमारी वो मेन नेशनल हाईवे हो चाहे वो रामगढ़ रोड हो चाहे वो रामगढ़ रोड की चौक हो। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी जो ज्वेलरी की मार्केट है यहाँ पे भी वो कैमरे इंस्टॉल किए गए थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले 3 साल से वो कैमरे बंद पड़े हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि वो कैमरे जो है वो इंस्टॉल करें। एक तरफ DC मैडम सभी दुकानदारों को हिदायत देती हैं कि आपने अपनी दुकान पे CCTV इंस्टॉल करें CCTV कैमरे इंस्टॉल करें, लेकिन दूसरी तरफ खुद ही DC मैडम को ये देखना चाहिए कि हम अगर दुकानदारों को ये चीज़ बोल रहे हैं कि आप इंस्टॉल करो, अपने जो कैमरे हमारे विजयपुर मेन हाईवे पे लगे हैं जहाँ मेन बाजार में लगे हैं उनको भी इंस्टॉल किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, कई बार एक्सीडेंट होते हैं गाड़ी जो है वो ट्रेस नहीं होती है, गाड़ी का नंबर ट्रेस नहीं होता है। देखिए जो CCTV कैमरा इंस्टॉल जो बिजुपुर मार्केट में किए थे वो बिजुपुर व्यापार मंडल ने सारी दुकानों ने अपने कलेक्शन करके ये कैमरे इंस्टॉल किए थे ताकि जो बाजार में जो इंसिडेंट होते हैं जो एक्सीडेंट होते हैं या कोई भी ऐसा वारदात होती है चोरी की तो उसमें CCTV कैमरा में आ जाए और पुलिस को उसमें अच्छी आसानी मिलती थी उसके छानबीन करने में, चोर को पकड़ने में या जो भी इंसिडेंट होते थे या बाइक के साथ गाड़ी के साथ, तो वो पुलिस को काफ़ी मदद मिलती थी। लेकिन काफ़ी देर से ये बंद पड़े और हमने काफ़ी जो पुलिस पब्लिक मीटिंग भी हुई उसमें भी काफ़ी बार हमने ये डिमांड उठाई थी कि जब हमने ये कैमरे इंस्टॉल किए थे हमारी मार्केट ने तो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर दिए थे, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के ये देखना चाहिए था कि ये काफ़ी दिनों से ख़राब पड़े हैं उसको ठीक करना चाहिए। और आपने खुद देखा कितनी सारी ये चोरियाँ जो हो रही हैं दिन ब दिन बिजुपुर में, तो उसके देखते हुए इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन इस पर ध्यान देना चाहिए था और कैमरों को जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए था, इतनी दिनों दिन चोरियाँ बढ़ी। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन देखना चाहिए कि आप लोगों को बोलेंगे खुद कैमरे लगा तो ये हमने जो लगा के दिए हैं मार्केट वालों ने तो वो आप तो ठीक नहीं करवा पा रहे, जो बहुत ही ज़रूरी है जो मार्केट के लिए बिजुपुर वासियों के लिए, लेकिन उसके बावजूद ये एडमिनिस्ट्रेशन जूनी रोक कांड में जूनी रोक रेंगती है। तो अब हमारी आपके माध्यम से डिमांड है कि एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान देना चाहिए। इतना पैसा गवर्नमेंट को दे रही है, ऊपर से पैसा जो आ रहा है कहाँ जा रहा है कि आपने ये चाय और समोसों के लिए ये पैसा इस्तेमाल करी क्या? रियासी जिले के शिवखोड़ी में रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद अब कटरा में भी रोपवे प्रोजेक्ट पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आश्वासन के बाद भी इन लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है और इसी के तहत ताराकोट मार्ग से सांझी छत तक लगने वाले रोपवे को लेकर विभिन्न पार्टियों के नेताओं और कटरा वासियों ने कटरा में बैठक की और जिसमें कि इस मुद्दे को लेकर रणनीति बनाई गई और इन लोगों का कहना था कि इस रोपवे से स्थानीय कारोबारियों बेस कैंप कटरा और वहीं पौराणिक मार्ग में दुकानदारों के साथ साथ अन्य काम करने वाले लोगों को खासा नुकसान होगा और इन लोगों का यह भी कहना था कि इस मुद्दे को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की। मुझे एक रघुनाथ मंदिर में फिर एक बैठक को बुलाया है जिसमें स्टेक होल्डर कटरा के चाहे वो दुकानदार हो चाहे वो ढाबे वाले हो चाहे वो होटल इंडस्ट्री से हो चाहे वो बाकी कारोबारी हो चाहे वो पिट्ठू पालकी वाले हो और खास तौर पे बाणगंगा से लेके ऊपर भवन तक के लिए रास्ते में जो 1200 दुकानदार हैं उन
उनके स्टेक होल्डर मैं समझता हूँ कि वो सबसे ज्यादा हैं और द्रुढ़ के लोग जो ज्यादा हैं, और उन सबको बुला के कल हम एक रणनीति बनाएंगे, और रणनीति बनाने के बाद जो पहला स्टेप हमारा रहेगा वो ये रहेगा कि हम डोर्रा महोदय ने जो बात कही है वैष्णो देवी में कि मैं कटरा वासियों को नजर में रख के, कटरा के इंटरेस्ट को नजर में रख के हम गुंडोला का जो आगे करेंगे, तो पहली तो हमारी यही प्रायोरिटी रहेगी कि हम गवर्नर महोदय से मिले, और मिलने के बाद जो कटरा को नुकसान होने वाला है गुंडोला की तरफ से, उसके लिए हम अपनी बात को वहां पे रखें। जो सुनने में जो टेक्निकल बिड के लिए बोला है, जैसे उन्होंने कहा है कि ये प्राइमरली काम हमारा गुंडोला का शुरू हो चुका है जिसमें 250 करोड़ रुपए का अनुमान है, और एक टेंडर भी जो है वो सामने जो आ रहा है जिसमें ये माना गया है टेंडर के हिसाब से कि 1 घंटे में 1500 लोग जो है वो गुंडोला में जाएंगे। 1 घंटे में 1500 जाने का, 1500 आने का मतलब ये हुआ कि अगर श्राइन बोर्ड 20 घंटे अगर गुंडोला को रन करता है, अगर करता है तो मतलब ये साफ हो गया कि 30,000 लोग जो हैं वो वहां पे पहुंच जाएंगे। जब 30,000 वहां पे लोग, मंशा इस बात की है कि अगर 30,000, मतलब ये हुआ कि कटरा को जो बेसमेंट माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मानता था, इसका मतलब ये हुआ कि कल आने वाले वक्त में अगर गंडोला वहां पे लगता है तो बेस कैंप ताराकोट हो जाएगा। जब 30,000 आदमी जब दिल्ली से कोई रोड पे उस पे नेशनल हाईवे पे आ रहा है, 6 घंटे में वो कटरा क्यों आएगा, कटरा के होटल में क्यों जाएगा, कटरा के रेस्टोरेंट में क्यों जाएगा, कटरा के रेडी फेड़े वाले में क्यों जाएगा, बाणगंगा से वो घोड़ा क्यों लोगा। बुढ़ापा और विधवा पेंशन के लिए नई औपचारिकताओं का आदेश बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। जहां नई औपचारिकताएं पूरी न होने पर इन पेंशन भोगियों की पेंशन बंद है, वहीं इन औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए बुजुर्ग दरबदर भटक रहे हैं। पेंशन के बंद होने से जम्मू के मढ़ ब्लॉक के गांव रंजीतपुर के बुजुर्ग मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इन बुजुर्गों के मुताबिक नई औपचारिकताएं पूरी न कर पाने से उनकी पेंशन पिछले कई महीनों से बंद है, जिसके कारण वो बेहद ही परेशान है, और इन लोगों के मुताबिक पेंशन ही उनका एकमात्र जीने का सहारा था। उसके बंद होने से अब वो ना तो अपना इलाज कर पा रहे हैं और ना ही दवाई खरीद पा रहे हैं। इन बुजुर्गों ने उनकी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए उनके गांव में कैंप लगाने की मांग की है ताकि उनकी पेंशन बहाल हो सके। महाराज त्रै त्रै चार चार महीने पेंशन साड़ी बंद हो गए, बुजुर्ग बंदे बेसहारा, ते इये सहारा साड़ा लास्ट, ते इब्बी गवर्नमेंट ने बंद करी ओड़ी, ते अस कुत्थे जाना है, ठीक है ना। जल्दी को जल्दी मतलब साड़ी पेंशन आनी चाहिदी है, ते ए जेड़े गरीब लोग ने मतलब ते केड़े केड़े दफ्तर मतलब घूम गए मतलब जानगे, ते जे मतलब कोई भी मतलब डाकूमेंट चाहिए इतना कमेटी हाल के इंटर कैंप लोन, ते सारे इतना कट्ठे करिए जो डाकूमेंट इंटर इतना ले लैन। अस किट्ठे होए इस करियै अग्गे साढ़ी जेह्ड़ी पेंशन ही यानी कि 3 महीने होया बंद होए, ते साढ़ा सहारा ही अस बजुर्ग बंदे आ, यानी कि ते होर साढ़ा सहारा कोई नहीं, अस जीत बेले बिच रहने आ, इस करियै सारे बंदे कट्ठे होए आ कि गौरमेंट ने साढ़ी यानी कि पेंशन बंद करी दी है, ते इस करियै अस कट्ठे होए महाराज। क्या क्या है कैली बंद कीती है पता नहीं महाराज, कहने वास्तव बंद की अस कदे आदे फलाना डाकूमेंट लिया, कदे आदे फलाना डाकूमेंट लिया, अस उधर उधर खजल होई जाते हैं, तो इस करिए सू पता नहीं लगे कुधर जाना तो कुधर नहीं जाना है। अस आधार कार्ड भी लिंक कराई दिते रहे, यानी कि सब कुछ कराई दिता, तो मगर हूँ इं खजल खुआर करी जा रहे सू। आखना चाहते हो आखना चाहते जनाब अगे इो रिक्वेस्ट है, यानी कि सू सा पेंशन ला, तो चलो कोई दवाई दवाई दवा दूंगा खर्चा को बनगा। तो मेरी पेंशन बंद हो साड़ी, ए जनता पिछे मेरा सारी खड़ोती दी गरीब जनता, इन्हें सारा गै पेंशन दा, ठीक है। कोई कुहा दा पुत्र नहीं अजकल दिंदा, कोई कुहा दी धी नहीं दिंदी, इन्हें अपने अपने गौरमेंट ने साड़ी पेंशन लाई दी, साड़ा टाइम पास होंदा हा। मेहरबानी कीते जा, साड़ी जिहड़ी पेंशन बंद होई दी है ये खुले जा, और डाकूमेंट लैने ने ते कुदै कैंप लाओ, ते असें बजुर्गें गी उत्थै बुलाओ, ते अस डाकूमेंट दिन्ने आ, ठीक है। बस इन्नी है बड़ी मेहरबानी साड़ी, साड़ी पेंशन खुले जा, अस एले रुट्टी कोला भी आजता, ठीक है, अस दवाई कोला भी आजता, एले अस अह दवाई ताए पैसा नहीं है कोई भी साढ़े कोल, ते जेड़ी पेंशन लगी दी है बंद खुली जाई है। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।